हालांकि लद्दाख में चीन की चाल अब काम नहीं आई तो उसने एक बार फिर से अपनी हरकतें उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में बढ़ा दी है। लद्दाख में ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में पिछले हफ्ते भारतीय जवानों की चीन के सैनिकों से झड़प हो गई थी। जानकारी के मुताबिक पेट्रोलिंग के दौरान सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए। कुछ घंटों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। दोनों सेनाओं के बीच एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण होने लगे। एलएसी से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के 200 सैनिक तिब्बत की तरफ से भारतीय सीमा में घुस आए थे, जिन्हें भारतीय जवानों ने फिर खदेड़ दिया। चीन के सैनिक और अंदर आने पर अड़े थे, लेकिन भारतीय जवानों ने न सिर्फ चीनी सैनिकों को वहां रोका बल्कि उनको पीछे भी खदेड़ दिया। यह भारतीय जवानों की सूझबूझ ही थी कि विवाद ज्यादा नहीं बढ़ा और मामला बातचीत में ही हल हो गया। इस विवाद में भारतीय जवान को कोई नुकसान नहीं हुआ और प्रोटोकॉल के मुताबिक बातचीत से विवाद सुलझा लिया गया। इस पूरे मामले पर सेना का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। सेना ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के अपने परसेप्शन है। कभी कभी दोनों देशों की पेट्रोलिंग टीम का आमना सामना हो जाता है, तब फेस ऑफ की सिचुएशन बनती है। इसे तय प्रोटोकॉल के हिसाब से निपटाया जाता है। बता दें कि लद्दाख में चीन की घुसपैठ और भारतीय जवानों से झड़प की खबरें आती रहती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में झड़प की खबरें लंबे समय बाद आई है। इससे यह तो साफ तौर पर जाहिर है कि चीन ने अरुणाचल में फिर से अपनी गतिविधियों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये घटना ऐसे वक्त में हुई जब अगले 3 और 4 दिनों में लद्दाख को लेकर भारत चीन के बीच फिर से कमांडर स्तर की बातचीत होनी है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार चीन के साथ बार बार सीमा विवाद क्यों खड़ा हो जाता है? आए दिन ऐसी खबरें क्यों आती है कि चीन की सेना ने घुसपैठ कर दी? दरअसल ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन की सेना ही पेट्रोलिंग करते वक्त भारतीय सीमा में दाखिल हो जाती है। कई बार भारत के जवान भी पेट्रोलिंग करते वक्त चीन की सीमा के अंदर तक घुस जाते हैं। मार्क ना किए गए एलएसी पर अक्सर ऐसा होता रहता है। एलएसी दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी सीमा भी मानी जाती है जिसकी पूरी तरह से मैपिंग नहीं हो सकी है। भारत मैकमोहन लाइन को वास्तविक सीमा मानता है, जबकि चीन इसे सीमा नहीं मानता। इस लाइन को लेकर 1962 में भारत और चीन के बीच जंग हुई थी, क्योंकि चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश समेत कई जगहों पर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया था। चीन का यह कब्जा 59 साल बाद आज भी कायम है। जहां तक चीन का कब्जा है तो वहां तक की सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानी जाती है। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि 1962 के बाद से जब इसकी शुरुआत हुई तो रह रहकर यह मुद्दा विवाद बनता रहा। अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर के अंदर हमारी सीमा में घुसने का प्रयास किया था और जो हमारे बंकर अनऑक्युपाइड बंकर्स हैं उनको डैमेज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो डैमेज नहीं कर पाए थे। हमारे ट्रुप्स ने उनके कुछ सैनिकों को डिटेन भी कर लिया था, जिसको बाद में उन्होंने छोड़ दिया था। बेसिकली ये प्रॉब्लम क्यों आती है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है हमारे देश और चाइना के बीच में वो क्लियर कट डिमार्केटेड नहीं है। तो दोनों देश के सैनिकों का एक अपना अपना परसेप्शन है, वो अपने परसेप्शन के हिसाब से पेट्रोलिंग अपनी सीमा तक करते हैं। अभी आप देखेंगे इससे पहले 30 अगस्त को इसी साल बाराहोटी में भी उत्तराखंड रीजन में उन्होंने चाइनीज ट्रुप ने हमारी सीमा में प्रवेश करने का प्रयास किया था और उसके बाद वो 3-4 घंटे बाद वापस भी चले गए थे। जो हमारी एलएसी है करीब 3,500 किलोमीटर। दरअसल पहले अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था और बाद में इसे अरुणाचल प्रदेश का नाम मिला। ब्रिटिश राज वाले भारत में अंग्रेजों और तिब्बतों के बीच एक संधि हुई थी जिसके तहत अरुणाचल भारत में शामिल माना गया और मैकमोहन रेखा खींच दी गई, लेकिन चीन ने इसी संधि को ये कहकर खारिज कर दिया कि तिब्बत उसी का हिस्सा है, अलग देश नहीं है। इसलिए बगैर चीन की सहमति के ऐसा कोई संधि मान्य ही नहीं होगा। तभी से अरुणाचल प्रदेश में इस सीमा विवाद ने जन्म ले लिया। कभी तिब्बत भी इस संधि से मुकरता रहा तो कभी भारत के पक्ष में सहमति जताता रहा। 1962 के युद्ध में चीनी सेना ने तकरीबन पूरे अरुणाचल को कब्जे में ले लिया,
लेकिन इसके बावजूद शांति बहाली हुई और चीन पीछे चला गया। हालांकि चीन आज तक ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है और इसी के लिए वो घुसपैठ भी करता है। अब पिछले दिनों की ही खबर आई थी कि चीनी सैनिकों ने उत्तराखंड में बाराहोती में घुसपैठ की थी। चीनी सैनिकों ने 30 अगस्त की घुसपैठ की और 3 घंटे वहां रहने के बाद वो लौट गए। चीन के करीबन 100 सैनिक बाराहोती में घुसे थे और वहां अपनी मौजूदगी के सबूत छोड़कर गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक घोड़ों पर आए चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसकर तोड़फोड़ की और लौटने से पहले एक पुल भी तोड़ दिया। बता दें कि बाराहोती वही इलाका है जिसमें चीन ने 1962 की जंग से पहले भी घुसपैठ की थी। भारत और चीन की सेनाएं अब तक कई मौकों पर आमने सामने आ चुकी है, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे भी मौके रहे हैं जब विवाद, खून खराबे और जंग तक आ गया। दोनों देश वैसे तो जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन जब विवाद हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो जंग ही एक ऑप्शन रह जाता है। ऐसा ही कुछ साल 1962 में भी हुआ था। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर हमला बोल दिया था। बहाना विवादित हिमालय सीमा ही थी, लेकिन मुख्य वजह कुछ और मुद्दे भी थे। इसमें सबसे प्रमुख 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद दलाई लामा को शरण देना था। चीन ने लद्दाख के चुशूल में रोजाना, आपको बता दें कि रोजांग लॉ, और अरुणाचल के तवांग में भारतीय जमीनी पर अवैध कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही चीन ने भारत पर 4 मोर्चों पर एक साथ हमला किया। अब ये मोर्चे कौन से थे, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, इस जंग में चीन को जीत मिली। हालांकि तब भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था। चीन ने एक महीने बाद 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी। 1967 में जो वॉर हुआ था, 1962 की युद्ध के बाद एक और टकराव 5 साल बाद 1967 में हुआ था। 1967 का टकराव तब शुरू हुआ जब भारत ने नाथुला से सैबू लौटा एक तरीके से तार लगाकर बॉर्डर की मैपिंग कर डाली। 14,200 फीट पर स्थित नाथुला दर्रा तिब्बत सिक्किम सीमा पर है, जिससे होकर पुराना गैंगटॉक और यातुंग और लहासा सड़क गुजरती है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चीन ने भारत को नाथुला और जेलेप्ला दरे जो थी वो खाली करने के लिए कहा। भारत ने जेलेप्ला तो खाली कर दिया, लेकिन नाथुला दरे पर स्थिति जो थी वो पहले जैसी ही रही। इसके बाद ही नाथुला विवाद का केंद्र बन गया। भारतीय सीमा पर चीन ने आपत्ति की और फिर सेनाओं के बीच हाथापाई और टकराव की नौबत आ गई। कुछ दिन बाद चीन ने मशीन गन से भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया और भारत ने इसका जवाब दिया। कई दिनों तक ये लड़ाई यूं ही चलती रही और भारत ने अपने जवानों को पोजीशन बचाकर, एक तरीके से जवानों की पोजीशन बचाकर रखी। चीनी सेना ने 20 दिन बाद फिर से भारतीय इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश की। अक्टूबर 1967 में सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के पास भारत ने चीन को करारा जवाब दे दिया। उस समय भारत के 80 सैनिक शहीद हुए, जबकि चीन के 300 से 400 सैनिक भारतीय सैनिकों ने मार गिराए।